हेलो एवरीवन, दिस इज एडी और आप देख रहे हैं हिंदी ओटाकू, जहां मैं उन एनिमेस का रिव्यू करता हूं जिन्हें मैं खुद देख चुका हूं। इससे आपका टाइम एनिमे सर्च करने में वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप एनिमे लवर हैं, अगर आप ओटाकू हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप ओटाकू नहीं है तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्या पता वीडियो के एंड तक आप ओटाकू बन जाए। आज हम जिस एनिमे की बात करने जा रहे हैं उसने स्टूडेंट लाइफ के एक सच को हाईलाइट किया है। हम सभी को कभी ना कभी अपने क्लास टीचर के लिए फीलिंग्स आई है, ये हर स्टूडेंट का एक सच है, जो इस एनिमे में काफी क्यूट और रोमांटिक वे में पेश किया गया है। आज हम रिव्यू करेंगे ओनेगाई टीचर एनिमे का, जहां ओनेगाई एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है प्लीज। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज का रिव्यू। प्लीज टीचर, डायरेक्टेड बाय यासुनोरी इडे एंड ओरिजिनल मैंगा रिटन बाय शिजुरु हायाशिया, एक रोमांटिक कॉमेडी और साइंस फिक्शन कैटेगरी का एनिमे है, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी 2002 जापान से हुई। इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीजन है, जो 28 मार्च 2002 को खत्म हो गया। इस सीजन में कुल 12 एपिसोड्स थे। जब यह एनिमे खत्म हुआ तब सेम एनिमे डायरेक्टर और टेलीविजन नेटवर्क ने इसका एक स्पिन ऑफ सिक्वल निकाला, जिसका नाम है प्लीज ट्विंस। इस एनिमे का रिव्यू हम अपने अपकमिंग वीडियोस में जरूर करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर केई कुसानागी से। ओरिजिनल जापानीज वॉइस गिवन बाय सोइचिरो होशी एंड इंग्लिश डब बाय डेव विटनबर्ग, जो कि एक 18 साल का लड़का है। एक रात वो नदी किनारे लेटा रहता है कि तभी अचानक उसे नदी में कुछ हलचल दिखाई देती है, और कुछ समय बाद उसे अपने जगह से थोड़ी दूर एक सुंदर लड़की अचानक से अपीयर होते नजर आती है। वो वहां से डर के मारे तेजी से भागता है और एक्सीडेंटली फिसल के नदी में गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अपने क्लासरूम में पाता है, जहां उसके सारे क्लासमेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कोशी हेरिकावा, जो केई को पसंद करती है, ह्योसुके मागुमो, जो सभी लड़कियों को पसंद करता है, कायदे मिजुमी, जो सबसे शाय बंदी रहती है, और माटागु शीदो, जो सबसे सीरियस सिंगल और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वाला बंदा होता है। जैसे ही केई की आंखें खुलती है, ह्योसुके चिल्लाते हुए क्लास के अंदर आता है और एक्साइटमेंट के साथ सबको न्यू फीमेल टीचर के बारे में बताता है। थोड़े समय बाद टीचर क्लास में आती है, जिसे देखकर केई सोच में पड़ जाता है। उस टीचर का नाम होता है मिजुहो काजामी। ओरिजिनल जापानीज वॉइस गिवन बाय किकुको इनोए एंड इंग्लिश डब बाय ब्रिगेट हॉफमैन, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ एलियन होती है। मिजुहो ही कहानी की मेन फीमेल कैरेक्टर है, जिससे हर मेल स्टाफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, और शाम के समय जब केई अपने घर के विंडो के पास खड़ा होता है, तभी उसे पता चलता है कि न्यू टीचर उसके घर के ठीक बगल में शिफ्ट हो रही है। ये देख केई टीचर की मदद करने चला जाता है। ये सब के दौरान बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें केई अपने स्टैंड स्टिल बीमारी के बारे में बताता है, जिसके चलते वो 3 साल कोमा में था, और इसी कारण अभी वो महज 15 साल का दिखता है। टीचर भी उसे अपना सच बताती है कि वो इस दुनिया की नहीं है, और वो किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, वगैरह वगैरह। आप इस स्टोरी को खुद देखें, आपको ज्यादा मजा आएगा। ये एनिमे जापानीज और इंग्लिश में अवेलेबल है। स्टोरी बहुत ही सुलझी हुई है, जिसमें एक स्टूडेंट और टीचर के रोमांटिक रिलेशनशिप को दिखाया गया है। इसमें कई रोमांटिक सीन्स हैं, जो अधिकतर केई के फ्रेंड्स के कारण स्पॉइल हो जाते हैं। इस एनिमे में यह दिखाया गया है कि कैसे कपल्स के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और आखिरी में उनके प्यार और एक दूसरे के प्रति लगाव के कारण सब कुछ ठीक हो जाता है। इस एनिमे में जितना रोमांस है उतनी ही कॉमेडी भी है। पूरा का पूरा एनिमे इमोशंस, फीलिंग्स और रोमांस से भरा हुआ है। इस एनिमे को जरूर देखें। 2002 के हिसाब से एनिमेशन बहुत अच्छा किया गया है। इस स्टोरी में कोई एक्शन सीन्स नहीं है, कैरेक्टर डिजाइन एंड डेवलपमेंट सभी का बहुत अच्छा किया गया है। जितने भी क्लासमेट्स इसमें दिखाए गए ना, वैसे सभी के क्लास में अधिकतर रहते ही हैं। तो बस यार, आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एनिमे बहुत सही है, इसे एक बार जरूर देखें। ये एनिमे सिर्फ 12 एपिसोड्स का है, जो केई और मिजुहो के रिलेशनशिप्स, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स, उसके फ्रेंड्स, इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमता है। तो यार, अगर आपको रोमांटिक और कॉमेडी कैटेगरी पसंद है तो आप इस एनिमे को जरूर देखें, इसे मिस ना करें। मैं इस एनिमे को दूंगा 8/10 स्टार्स। आप इस एनिमे को जरूर देखें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इस एनिमे को 10 कितने स्टार्स देंगे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक करें, इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। और यार, अगर आप यहाँ पे नए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसे क्लिक जरूर करें, और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी अपना अगला एनिमे रिव्यू डालूं तो ये सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तो बस यार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।